स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोमेडिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ वाले लोग जो हैं वो रात को सोते समय कुछ सावधानी बरतें, कुछ ज़रूरी काम करें, और अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो दिन भर उनकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, नियंत्रण में रहेगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीज़ हों या प्री डायबिटिक कंडीशन में हों लोग, सुबह सुबह शुगर बढ़ना एक सामान्य बात है। और सुबह सुबह शुगर बढ़ना इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने रात को क्या खाना खाया था, कौन सी दवाई खाई थी, अल्कोहल पिया था क्या या फिर स्मोकिंग की थी क्या। तो ऐसे ही कुछ सवालों की बात आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है कि रात को खाना कब खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्थिति में रात को सोने से कम 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर दूसरा सवाल है दोस्तों कि रात को खाने में क्या खाना है। इसमें आपको समझना चाहिए दोस्तों कि रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। सलाद ज़रूर लेनी है, चाहे कोई भी सलाद लीजिए, फाइबर जाना चाहिए आपके शरीर में। और खाना कम मात्रा में खाना है, यानी जितना आपको भूख लगी है उससे आधा ही खाएं तो सबसे बेहतर तरीका है ये। फिर दोस्तों जानते हैं कि रात को कब सोना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रात को जितना जल्दी सोएंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप लेट सोते हैं और आपने खाना जल्दी खा लिया था तो आपके अनहेल्दी खाने की संभावना बढ़ जाती है, आपका मन करेगा कुछ अनहेल्दी खाने का, तो वो ठीक नहीं है, इससे बचें। लेकिन फिर भी अगर आप लेट सो रहे हैं दोस्तों तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम आधे घंटे की वॉक आप ज़रूर करें फिर सोएं। फिर अगले सवाल की बात करें दोस्तों कि सुबह कितने बजे जागना चाहिए। तो अगर आप जल्दी सोएंगे दोस्तों तो जल्दी उठने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, तो इसलिए लाइफ स्टाइल को सुधारें और जल्दी सोएं और जल्दी जागें, और ये आदत आपको और कई सारी बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, तो ध्यान दें इस बात का। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि रात को पानी कब और कितना पीना चाहिए। तो खाना खाते समय तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए दोस्तों, 1 घूंट 2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन रात को खाना खाने के कम 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है 1 गिलास, और सोने से लगभग आधा घंटा पहले आप 2 गिलास पानी ज़रूर पिए दोस्तों। और दिन भर पानी पीते रहें, क्योंकि पानी आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। फिर आगे बात करें कि अगर आप दवाई खा रहे हैं, यानी आपकी कोई रेगुलर दवाई चल रही है जो आपको रात को खानी है, तो दोस्तों वो दवाई भी आप सोने से 2 घंटे पहले खाइए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि रात को खाई गई कोई भी दवाई हो, चाहे कोई भी दवाई हो दोस्तों, वो निश्चित रूप से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगी, तो इसलिए दोस्तों ये बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।